सीटेट के फॉर्म फिल करने की डेट 31/10 से लेकर 24/11 तक है। हमारे पास 24 दिन है, लेकिन जो एक न्यू प्रिंसिपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके बेस पर अगर आप पहले फॉर्म फिल करते हो तो आपको प्रोबेबली जो आप प्रेफर्ड सेंटर चाहते हो एग्ज़ाम के लिए, नेचुरली है कि नज़दीक से नज़दीक चाहते होगे, तो वो मिल जाएगा। तो इस दौड़ में प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है कि हमें तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जब होती है तो हम पहले दिनों में, पहले वीक में, पहले 2-3-4 दिन से हम अपना काम शुरू कर दें। उसके लिए अगर आप देखेंगे कि 4 स्टेप होंगे लगभग इसके फॉर्म फिलिंग के, तो वो 4 स्टेप ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पर खड़े हो ऐसे और यहाँ तक आपने 4 स्टेप कर लेने हैं। वो 4 स्टेप में ये रेस ऐसे है कि ये जैसे ऑब्स्टेकल रेस है, कोई ऑब्स्टेकल इतनी बड़ी है कि आपके कितने दिन ले सकता है, ये इस बात को समझिए। ये ऑब्स्टेकल रेस, अगर आप ये ऑब्स्टेकल जो आनी है उसकी तैयारी पहले से कर लेते हो तो आपका टाइम, मनी और एनर्जी तीनों ही बच जाएंगे। तो वो ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी जो है ऑब्स्टेकल वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमें लगता है डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, बड़ी सब ऑब्स्टेकल है वो डिसीजन मेकिंग है। इसके अलावा कई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, दूसरी ये है, तीसरा डॉक्यूमेंट वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, आपने नॉन स्टॉप फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से डिसीजन लेने हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। जो फैक्टर हैं मेजर आपकी फॉर्म फिलिंग को प्रभावित करते हैं, जब गलतियां ज़्यादा होने की संभावना कैसे लगती है, पहले तो ये है कि आप खुद फॉर्म फिल करते हो या किसी अदर से करवाते हो, मोस्टली हम कैफे से फिल करवाते हैं। याद ये रखिए कि सेल्फ या अदर से फिल करवाना वो मैकेनिकल हो, वो बटन को क्लिक करे, वो आपको टेक्निकली गाइड करे, ये हो सकता है। लेकिन आप कैफे वाले के पास जाते भी हो तो डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, वो डिसीजन क्योंकि जॉब आपने गवर्नमेंट लेनी है। दैट इज वाई अदर्स पर ऐसे डिपेंड मत कीजिए कि दूसरे को फॉर्म फिल करने के लिए दे दिया। अगर आपके ब्रदर सिस्टर टीचर किसी से भी हेल्प लेनी है तो जो भी डिसीजन, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो ऑब्स्टेकल है, जो डिसीजन लेने हैं वो मिलके लीजिए, मिलके भी नहीं लीजिए, अदर से इंफॉर्मेशन लीजिए। इंफॉर्मेशन लेने के बाद डिसीजन आपका सेल्फ के द्वारा होना चाहिए। डिसीजन फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज 1 कौन सी लेनी है, लैंग्वेज 2 कौन सी लेनी है, पेपर 1 के लिए मैंने फिल करना है, 2 के लिए फिल करना है, या बोथ के लिए फिल करना है, मेरे लिए सूटेबल स्ट्रीम या सब्जेक्ट कौन सा है, मैं पासवर्ड कौन सा रखूं डायरी में लिखना है, एलिजिबिलिटी, अच्छा कोड या क्वालिफिकेशन आईडी फिल कौन सी करनी है, वो आगे चल के बताता हूं। पेपर 1 के लिए 5 कोड होंगे, इसके लिए 7 कोड होंगे। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल लगती है क्योंकि ऑप्शन क्लियर नहीं होते। तो इन्फॉर्मेशंस कई चाहिए वो इस वीडियो में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स है 10th के हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, अच्छा कोई चिंता मत कीजिए, किसी ने भी कोई डॉक्यूमेंट सीबीएसई को सेंड नहीं करना। डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी या कास्ट सर्टिफिकेट एससी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी नीड्स है, आधार कार्ड है ये चाहिए है ना, स्कैंड फोटोग्राफ है, स्कैंड सिग्नेचर है, फीस बोर्ड है, आपने फीस कैसे पे करनी है, ये चीज़ें हमें नॉर्मली बता रहा हूँ, लेकिन साथ में कैसे ज़रूरी है ऐसे बता देना तो हम कलेक्शन कर लेंगे, लेकिन साथ में तभी समझ सकते हैं अगर साथ साथ में जो पेज जिस पर ऑनलाइन आपने फिल करना है उसको साथ साथ देखें और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रॉबेबली डिस्प्ले करेंगे और उनमें से डिसीजन आपने अभी लिख लेने हैं। ये वीडियो देखने के साथ आप एक डायरी ज़रूर लगा लीजिए, डायरी में अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर्म, क्योंकि जब तक आपका होना है सारा प्रोसीजर पूरा, ये टेस्ट हो जाना है, तब तक वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए उस डायरी में आप नोट कर लीजिए, ये एक सुजेशन है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, ये नोट कर लीजिए, यहाँ से आपका ऑनलाइन प्रोसीजर शुरू होना है।
एक बात और बता दूं, इस वीडियो में मैं सारे स्टेप्स वो नहीं बताऊंगा, जो ऑब्स्टेकल्स आएंगी, ज्यादा टाइम एनर्जी आपकी मेंटल एनर्जी लेंगी, वो डिस्कस करूंगा। जो मदर्स नेम फादर्स नेम ऐसी ऐसी बातें हैं उनको स्किप कर दूंगा। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। पेपर वन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, पेपर टू के लिए डिफरेंट है। इसका वीडियो, ये उसी वीडियो की इमेज है, नीचे लिंक दिया गया है, उसमें से डिटेल आप दे सकते हो, जिसमें एज लिमिट, मार्क्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है कि पेपर वन के 5 कोड या आईडी हैं और इसके साथ हैं, आपने उन कोड में से एक चूज करना है। लेकिन उससे पहले आपने डिसीजन लेना है कि मैंने पेपर वन फिल करना है, जो 2 फिल करना है, जहां बोथ फिल करने हैं। उसके बाद आप ये 7 कोड हो गए, उनमें से आप आईडी चूज करो। ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के वक्त फेस करोगे, डिस्प्ले होंगे। ये मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, दैट इज वाई आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये वो 5 क्राइटेरिये हैं, आपने देखना है कि आपकी प्लस टू है, जो प्रोफेशनल डिग्री है उसको पास कर लिया है या अपीयरिंग है, वो डिप्लोमा है, 1 ईयर है या 2 ईयर है, उसके मार्क्स कितने हैं। इतने फैक्टर के बेस पर ये 5 डिवीजन की गई है। इसको अलग वीडियो में मैं डिफरेंट से बता दूंगा, उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्स्टेकल जहां आपको प्रॉब्लम जहां आएगी, देखिए यहां पर स्टेट आपको अपनी पता है, यहां पर हम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। स्टेट आपको पता है ना, सिलेक्ट द आइडेंटिटी, एनी आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो ऐसी जो पेज है आपके सामने डिस्प्ले होगा, आप मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है ना, ये फिल कर लोगे, लेकिन आइडेंटिटी टाइप पर थोड़ा सा रुकोगे। उसके लिए क्या है कि ऑप्शन दी जाएंगी, वोटर आईडी ये आपके पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट हो गया ना, जहां पासपोर्ट, जहां बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, जहां राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, यहां पर आधार कार्ड आप रख लीजिए, वो इजीली अवेलेबल, क्योंकि आजकल वही यूज होता है। दूसरा, आधार को फोन से, अपने फोन से, मोबाइल से लिंक करवा लीजिए। उसका फायदा ये क्या है कि आपको रिजल्ट या इंफॉर्मेशन जो है इजीली अवेलेबल रहेगी, अपने पास रखना है, क्योंकि आपने यहां पर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आधार सेलेक्ट कर लिया या वोटर आईडी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसी का नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने इसके नीचे दिए गए ऑप्शन में फिल करना है, वो कहीं सेंड नहीं करना। इसके बाद एड्रेस, लोकेलिटी ऑप्शन, सिटी, विलेज, टाउन इजी है। इसके बाद पिन कोड आपको पता होना चाहिए, आपकी सिटी का पिन कोड क्या है। लैंडलाइन नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन है तो फिल कर सकते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इस पेज में क्या है, ईमेल एड्रेस, सबसे पहले वो वैलिड चाहिए, आपका अपना चाहिए। दूसरा नंबर, तीसरा कि उसी पर OTP आना है। आप जब ने फॉर्म फिल करना है तो नेचुरली अपनी ईमेल अपने लैपटॉप या मोबाइल पर ओपन करके रख लेनी है। दूसरा, मोबाइल आपका अपना चाहिए और वही मोबाइल नंबर को एक बार ही रजिस्टर करवाया जा सकता है, उस पर भी OTP आएगा और उसको भी अपने साथ में रखिए। टेस्ट होने के बाद जहां ड्यू, उससे पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको CBSE की तरफ से दी जानी है तो यही ईमेल आपका और मोबाइल नंबर यूज होना है, जिस पर आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। दैट इज वाई अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, जहां रिश्तेदार, जहां फ्रेंड का फोन मत दीजिए, जो आपके पास रहता है फोन, जहां ईमेल, जिसका पासवर्ड सब कुछ आपको पता है वो। नेक्स्ट है चूज पासवर्ड। पासवर्ड क्योंकि स्पेशल होगा, 8 से 13 करेक्टर इसके हो सकते हैं, मिनिमम 8 चाहिए, मैक्सिमम 13 चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। और इसके फीचर क्या होने चाहिए, मिनिमम 1 अपर केस, मिनिमम 1 लोअर केस, मिनिमम 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 कंडीशन है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे एट द रेट ऑफ है, हैश है, स्टार है, एंड है ना, परसेंटेज है, इसको यूज कर सकते हैं। यहां मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया T, बड़ा कर दिया, अपर केस हो गया, IRATH, आगे मैंने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द रेट डाल लिया,
आगे कोई ईयर अपना याद करके वो डाल दिया, मान लीजिए 2018 है ना, तो इसमें देखिए कि क्या सब कुछ पूरा हो गया है। मिनिमम वन अपर केस हो गया, मिनिमम वन लोअर केस इतने आ गए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, ये दो ये तीन हो गए, और मिनिमम वन डिजिट चाहिए और वो होगी 1 2 3 4। इट मींस ये मेरा जो है पासवर्ड मैंने चूज कर लिया, फ्रेम कर लिया, बना लिया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर है। इन्होंने कहा कितने कहा था, 8 से 13। ऐसे अपना जो पासवर्ड है पहले ही डायरी में लिख के रखिए, बाद में टेंशन होती है, हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर कह रहे हैं, अदरवाइज आपको लगता है हो जाएगा। कैफे वाले को मत कहिए, कैफे वाले की आप हेल्प ले सकते हैं, टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं, कैफे वाले से डिसीजन मत लीजिए और ना ही ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास या किसी और के पास रख के। यहां पर वो जो पासवर्ड मैंने रखा है वो फिल कर देंगे पूरा, ओके। तो यहां पर ऐसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, यहां 5 कंडीशन है, 8 से 13, एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और 1 स्पेशल केस। वही है पांचवी कंडीशन, वो है कि 8 से 13 के बीच होने चाहिए। कंफर्म पासवर्ड फिर आप वही फिल करोगे, कंफर्म होगा कि ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले से डिसीजन लेना है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। ऑप्शन ऐसी होंगी, विच इज द वेबसाइट यू रेयरली, बहुत कम जो आप वेबसाइट विजिट करते हो, है ना, इसको चूज मत कीजिए, प्रेफर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर वाले जो वो फील्ड है आप कर सकते हो। मैं इजी जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए इजी होगा वो बताऊंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, इसको आप ले सकते हो, मैं 2 टिक लगा रहा हूँ। व्हाट इज योर नेबर पेट नेम, ये भी इजी है, याद रहेगा, इसको भी 2 टिक लगा रहा हूँ। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, नहीं मैं इसको चूज नहीं कर रहा। विच इज योर फेवरेट बुक, इसको मैं 3 टिक लगा रहा हूं। आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन उस डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि बाद में कुछ गड़बड़ होती है तो ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है। तो दैट इज वाई इसको फाइनल करके अपनी डायरी में लिख लीजिए कि कौन सा आपने जो भी आप, अगर आप यहां पर अपने फर्स्ट स्कूल का नाम सेलेक्ट यहां पर कर लेते हो और मीन के यहाँ पर आएगा कि आपने ये वाली ऑप्शन चूज की है, यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटी आंसर, वो जो आपके स्कूल का नाम होगा है ना, वो नाम आप यहाँ फिल कर दोगे। ये नाम फिर आपको याद रखना होगा, ये दो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, नेशनैलिटी इजी है, कैटेगरी आपको पता है इजी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है यस नो है। लैंग्वेज, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज लैंग्वेज पर मैंने डिफरेंट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, अगर डिटेल देखना चाहते हो किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए कि मैंने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट चुननी है, कौन सी लैंग्वेज 2 चुननी है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक नेशनल लैंग्वेज है हिंदी है, एक लोकल लैंग्वेज कितनी है, 18 के करीब है, यहां मैंने 20 लिखी है, 18 के करीब, टोटल 20 के करीब आपके पास लैंग्वेज की ऑप्शन है, लेकिन 3 कैटेगरी मेन बनती है। इट मींस इनमें से 2 आपने चुननी है। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का, ये है लैंग्वेज 1 और ये है लैंग्वेज 2, क्वेश्चन ये है, डिसीजन क्या लेना है, ऑप्शन 2 है ना, डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना क्या होता है, क्या चूज करना है। तो इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 भी आएगा, इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 भी आएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मास्टरी सबसे ज्यादा इसमें इंग्लिश में है और आपने इंग्लिश को चूज करना ही करना है, तो उसको फर्स्ट लैंग्वेज चूज कीजिए। डिसीजन कैसे लेना है कि जिसमें आपकी सबसे ज्यादा मास्टरी है, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज की तरफ से जो पेपर आ रहा है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा, मीन ये वाला पोर्शन डिफिकल्ट होगा, इससे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो वे थोड़ा सा इजी होगा, कम डिफिकल्ट होगा। तो इंग्लिश ये वाली डिफिकल्ट, इंग्लिश ये वाली इजी, हिंदी ये वाली थोड़ी डिफिकल्ट, हिंदी ये वाली थोड़ी इजी, पंजाबी ये वाली लोकल लैंग्वेज कोई भी आपकी है ये वाली डिफिकल्ट होगी, ये वाला पेपर जो है
वो इजी होगा। दैट इज वाई आपको लैंग्वेज कौन सी दो चुननी है और फर्स्ट कौन सी लेनी है, सेकंड कौन सी लेनी है, ये डिसीजन लेना है। इसके लिए वो वीडियो है डिटेल से, क्योंकि मैंने 8 क्राइटेरियाज दिए हैं, उसके बेस पर आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी मार्क्स को, 5 से 8 तक के मार्क्स आपके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अगर आपने पहले से चूज कर रखा है, ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, 3-4 जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल हैं उनमें से हैं। अगर आपने पहले से चुन रखा है कि मैंने इंग्लिश ही फर्स्ट लेना है, तो यहाँ आप इजीली इंग्लिश फिल कर दोगे, और सेकंड मैंने अगर सोचा है कि मैंने हिंदी फिल करना है तो आप यहाँ पर हिंदी को ऑप्ट करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, ऑप्शन आ जाएगी 20 लैंग्वेज की, आप इंग्लिश को क्लिक कर दोगे यहाँ, ये आपको पता है, ये टेक्निकल। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो, कुछ भी इससे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला, तो ये टिक कर दीजिए। अगर आप एम्प्लॉयड एज ए टीचर हैं तो सेकेंड ऑप्शन, अगर जॉब है लेकिन टीचिंग प्रोफेशन नहीं है तो ये वाला। ये डाटा कलेक्शन है एक तरह से सीबीएसई की तरफ से। ये थंबनेल है जो लैंग्वेज को चूज करने के लिए है, इसको नीचे आप लिंक से आप सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने क्या करना है। पेपर 1 के लिए फिल करना चाहते हो, जो 1st से 5th तक के लिए टीचर के लिए है, या पेपर 2 जो 6th से 8th तक के लिए है, या बोथ जो 1st से 8th तक के लिए है। तो ये डिसीजन भी मेजर है आपने, क्योंकि इसका संबंध फीस से भी है। इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है, इसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए, आप डिटेल में डिसीजन लेने में हेल्प होगी। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो देख के आप डिसीजन ले लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए। दूसरी बात है पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी डिफरेंट है, उसके लिए पीछे जो बता के आया हूँ वो वीडियो आप देख लीजिए। ये कैप्शन है, ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसकी इमेज है। इसमें एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब के अनुसार आपके कोर्स का स्टेटस, बीएड एमएड कर रहे हो गए हैं, सिलेबस का कंपैरिजन, तीनों दोनों पेपर का सक्सेस बेनिफिट आपको, और साइकोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस। अब यहाँ पर है, अगर आपने पेपर 1 चूज किया है तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ, यहां पर सिलेक्ट करोगे, ऑप्शन आएगी, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी डिसीजन लेने में। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कोडिंग या क्वालिफिकेशन आईडी वाली जो वीडियो है, लिंक नीचे दिया गया होगा, उसको देख लीजिए, सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। दूसरा है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 6th टू 8th, अगर आप पेपर B को चूज। पेपर B में 2 ऑप्शन है, मैथ्स एंड साइंस स्ट्रीम, और दूसरी है सोशल साइंस की स्ट्रीम। तो दोनों में से आपको कौन सा चूज करना है, अगला डिसीजन इसका आपने लेना है। जो स्ट्रीम का मैंने लिखा है ना कि स्ट्रीम का पॉइंट है, स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है, स्ट्रीम है ये, और इसके आगे वो सब्जेक्ट, इसके लिए जो कन्फ्यूजन थी, मैथ, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, और ये तीसरा है कॉमर्स वाले, है ना, उनके लिए कन्फ्यूजन है। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आप सीटेट में इंटरेस्टेड हो, सीबीएसई आपसे इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मांगती, कुछ भी नहीं भेजना, आप फॉर्म फिल करके सीटेट को तो क्लियर कर लोगे, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिल कर सकते हो। लेकिन जब जॉब लेने गवर्नमेंट जॉब जाना है, वेरिफिकेशन तब होनी है, आगे मैं डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ, फिर आपकी तैयारी, तब तक आप कोई एडिशनल पेपर जहाँ उस जॉब के लिए जिसके लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है आपने ग्रेजुएशन में और बीएड या डीएलएड बीएलएड में पढ़े हुए हैं जो जो सब्जेक्ट, उसके अनुसार बाद में गाइडेंस मिलेगी कि जॉब के लिए आपने एलिजिबल कैसे। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका डिप्लोमा है या डिग्री है, तो वो टिक करना है इनमें से एक। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपने कौन सा लेना है, इंग्लिश या हिंदी आएगा। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये 4 प्रेफरेंसेस आएंगी, आपने 4 में से चारों को फिल करना है, लेकिन वो प्रेफरेंस पहले से बना के रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बात पहले करके आए हैं, यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन है पेपर 1 की और पेपर 2 की, यहाँ पर ये पेपर 1 की है, पेपर 2 की है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, शुरू में भी ये बात हुई है, तो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सिस्टम है, इसकी अलग वीडियो होगी, नीचे लिंक दिया गया है, वो देख सकते हो। अगर हाँ आपने वर्डिंग नोट करनी है तो यहाँ से आप पॉज करके ये वर्डिंग देख सकते हो, इसका डिफरेंस जो है बाद में आपको समझा देता हूँ।
जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगी, जैसे फैक्टर फर्स्ट के लिए 1, 2, 3, 4, 5 वही हैं जो मैंने पीछे दिखा के आया हूँ। तो उनमें से आपने एक चूज करनी है, कौन सा कोड चूज करना है, इसको कोड भी बोल देते हैं, और आइडेंटिफिकेशन आईडी जो इन्होंने लिखा है, ऑफिशियली आइडेंटिफिकेशन आईडी है। इस पर डिफरेंट वीडियो होगा कि आपका अगर बीएड है, रेगुलर है, 2 साल की है, 1 साल की है, मार्क्स कितने हैं, कैटेगरी कौन सी है, डिसेबल हो, स्पेशलाइज्ड है, इंटेग्रेटेड है, ये सारे फैक्टर हैं, उसके अनुसार आपको चूज करना है। ऐसे ही अगर आप पेपर 2 फिल करते हो 5वीं से 8वीं तक के लिए, ऐसे डिस्प्ले होगी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए 7 तक की ऑप्शन है, तो वो कौन सी आपने फिल करनी है वो आपको जहाँ तो अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा, अगर समझ नहीं आता तो आप देख सकते हो। ये पहले डिसीजन लेना होगा, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर या आप रुक जाते हो, फॉर्म को बंद करना पड़ता है, फिर से सोच के थोड़े दिन चिंता में, ये वो काम आप पहले कर लीजिए। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर विनोद, वो योगा करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि टॉयलेट जाने से पहले ना ऐसी एक्सरसाइज वो बताते हैं, ऐसे कर लो 5-10 मिनट, है ना, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जो जिससे पेट हल्का हो जाता है। टॉयलेट में जाते हो पेट साफ हो जाता है, वहां जाकर पेट अगर 1 मिनट में साफ हो जाता है, वो कितना अच्छा लॉजिक देते। तो आप वो 10 मिनट जो टॉयलेट में बैठ के गुजारने हैं, उससे बेटर है कि 10 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज कर लो कि वहाँ आपका 10 की बजाय 1 मिनट लगे। वैसे ही आप अगर ये डिसीजंस पहले ले लोगे, इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लोगे, तो वहाँ अपनी ही बदबू लेते हो, यहाँ पर टाइम मनी एनर्जी खराब करोगे, वो बच जाएगी। एंटर चॉइस फर्स्ट कौन सा होगा ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा स्टेट कौन सी है, स्टेट की थोड़े ही ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपने स्टेट अपनी नेचुरली है, अगर आप पंजाब में हो यहाँ पंजाब सेलेक्ट करते हो, उसकी आपके फिजिकली जो सबसे नज़दीक है, जहाँ आपकी प्रेफरेंस है, ये आपकी पर्सनल है, तो वो फिल कर दोगे, यहाँ पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद दूसरी कितनी दूर जा सकते हो वो क्लिक कर दोगे, तीसरी वो क्लिक कर दोगे, चौथी वो क्लिक कर दोगे, ये 4 आपने फिल कर दी। अगर आप ज़्यादा लेट होते हो तो आपको इन सेंटर की कैपेसिटीज़ है, जो आपने सेंटर ऑप्ट किए हैं ना, उनकी कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा वो एग्जाम नहीं ले सकते, तो आपको नेचुरली है कि दूर एग्जाम मिलेगा, 5वां सेंटर वो हो सकता है। अगर आप वो ऑप्ट नहीं करना चाहते तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपका पैसा। मैं कहता हूं 5वां नंबर ऑप्ट कर लीजिए, ये बेटर है, क्योंकि सीटेट पता नहीं कब साल बाद दोबारा आना है, लेकिन उससे भी पहले है कि आप थोड़ा जल्दी पहले वीक में अगर फिल कर देते हो तो आप को मन जो प्रेफर्ड आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिल जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जामिनेशन सेंटर जो CBSE की तरफ से ऑफर किए जाते हैं, इसमें से 1-2 बढ़ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 23 अगर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पर कितनी ऑफर की जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला और संगरूर, ये ऑफर की जा रही हैं। आप इन 4 और 4 में से 8 में से आपने 4 चूज करनी है, प्रेफर करनी है। तो इनका अगर आपने डिस्टेंस भी देखना है वो भी देख सकते हो कि मान लीजिए ये देखते हैं यहाँ पर, इधर कर लें इसको, हाँ ये देखिए, ये अमृतसर कहाँ है, ठीक है, फिर जलंधर यहाँ है, संगरूर यहाँ है, बठिंडा यहाँ है। ज्योग्राफिकली आप अच्छी तरह से देखिए तो एक के साथ दूसरी डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जैसे तरन तारण इधर आ रहा है, नहीं प्रोवाइड किया गया, कपूरथला बीच में, अमृतसर और जलंधर के बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट ये दिखाई दे रहे हैं। तो इट मींस एक आपके सेंटर से दूसरे सेंटर की कम से कम, अगर यहां भी देखना है, 50 से 100 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। तो अगर आपका सेकेंड प्रेफरेंस, इट मींस आपको 50 से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है, अगर थर्ड प्रेफरेंस है तो 150 किलोमीटर जन 200 किलोमीटर थर्ड फोर्थ तक आप पहुंचते हो, 200-250 किलोमीटर तक आपको सफर करना पड़ सकता है। बाकी जानकारी आप यहां से पूरी ले सकते हो कि ये जो पूरी लिस्ट दिखा देता हूं यहां पर, कि उड़ीसा में कौन कौन से हैं, है ना,
महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, इस पर डिफरेंट एक वीडियो बना के छोटा सा भेज देता हूँ, उसका लिंक नीचे आप देख लीजिए, तो आपको अंदाजा प्रेफरेंस आपकी बन जाएगी। जो हम इस वीडियो का पर्पस है कि हम कौन सा सेंटर मैंने चूज करना है, मेरे लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा, तो वो पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जस्ट फिल डिटेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पास स्टेटस है, अपीयरिंग हो या पास है ना, यहाँ पर आ रहा है ईयर ऑफ अपीयरिंग, ईयर फिल कर देना है, कोर्स का नाम फिल कर देना, बोर्ड, ये कोई भी बताने वाली बात नहीं। 31 से जैसे ये फॉर्म फिल करने शुरू हो रहे हैं और 24/11 तक शुरू होने हैं, एक तो दौड़ ये है कि ये यहां से शुरू कर दिए जाए, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, वो ये कि अगर आप सबसे पहले फॉर्म फिल करते हो तो जो डेट शीट आनी है, डेट शीट आ गई, डेट शीट पे मान लीजिए 15 दिसंबर से पेपर शुरू है और ये 15 जनवरी तक मान लीजिए चलते हैं, तो आपका एग्जाम शुरू में आने की, आपका रोल नंबर ऐसे सेट होगा कि आपका एग्जाम शुरू में शेड्यूल्ड होगा। अगर आप यहां फिल करते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जाम यहां पर होगा, अगर आप यहां फॉर्म फिल करते हो तो प्रोबेबिलिटी है ऐसे, अगर आप लास्ट में फिल करते हो और सेंटर भी दूर मिलता है, उसका पॉजिटिव भी एक इफेक्ट है, ये पॉजिटिव इफेक्ट बता रहा हूं। कारण क्या है कि यहां पर अगर आप लास्ट में आपका एग्जाम आता है, आपको लगभग इनसे, मैं महीना यहां लिख दिया है, अगर 15 दिन में भी एग्जाम होते हैं तो 15 दिन आपको अधिक मिल जाते हैं, जिससे आप जो पेपर पहले आ चुके हैं ऑनलाइन, पिछली शिफ्ट में आ चुके हैं, उनको एनालाइज कर सकते हो, उनसे कुछ गेन कर सकते हो और पढ़ने के लिए भी आपको ज्यादा टाइम मिल सकता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, दैट इज व्हाई महात्मा बुद्ध ने कहा था मिडल पाथ, है ना, मिडल पाथ को यूज कर सकते हैं। इट मींस कि आप फर्स्ट वीक के, मतलब फर्स्ट डे से बेशक मत फील कीजिए, होना भी नहीं है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन इतनी जो वीडियो में बेशक दे रहा हूँ सभी ने स्टडी नहीं की होती, आप तो कैफे वाले के पास चले जाते हो, मिसगाइड हो जाते हो, डिसीजन नहीं लेते, ये बातें सभी हैं, तो आप फर्स्ट वीक तक आप फिल कर लो तो ये बेटर है, मतलब फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के बीच में अगर फिल कर लेते हो तो ये बेटर है। लेकिन जिन्होंने एग्जाम की तैयारी पिछले 6 महीने से 3 महीने से कर रखी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आराम से पहले दिन से ही फिल कर देना चाहिए। अच्छा, ये एक ऑप्शन दी गई है ड्रॉप डाउन फैसिलिटी। ड्रॉप डाउन फैसिलिटी क्या है कि अगर आपने, ये एक बार पहले ऑप्शन देख लीजिए कि आपने नेक्स्ट जो ऐसी ऑप्शन आनी है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद पर, तो आपने यहां पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी और उसमें आपका नाम कॉलेज का आएगा, तो एक लिस्ट है इन्होंने वेबसाइट पर वही फॉर्म में दी हुई कि जिसमें रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के नाम है। ये हो सकता है कि आपके कॉलेज का नाम बीच में ना हो, अगर नहीं होता तो डिस्टर्ब नहीं होना, उसकी जगह पर अदर्स आएगा, लास्ट में यहां पर क्लिक करके नीचे जाओगे अदर्स आएगा, तो आपने अदर्स पर क्लिक कर देना है। ये फैसिलिटी को कह रहे हैं ड्रॉप डाउन फैसिलिटी। इन केस ऑफ नेम ऑफ दियर कॉलेज इज नॉट गिवन इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, क्लिक करते नीचे खुल जाती है, दे मे चूज द ऑप्शन अदर एंड फिल इन द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर। दूसरी एक और बात कि आपने परसेंटेज को डेसिबल्स में नहीं लिखना, फॉर एग्जाम्पल आपके 70.55 आपके बन रहे हैं परसेंटेज, तो ऐसे आपने नहीं करना, आप जस्ट 70 या 71% फिल कर दोगे, उसकी कोई मतलब मीनिंग यहां पर नहीं है। ये मीनिंग कहां होते हैं, जहां आपकी जॉब रिक्रूटमेंट होनी है, सिलेक्शन होनी है, मेरिट बननी है, तो वो छोटे छोटे पॉइंट पर ऊपर नीचे हो सकती है, यहां पर आपने ऐसी टेंशन नहीं। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपने कौन सी परसेंटेज फिल करनी है, अगर सेम वन का रिजल्ट आ चुका है तो वो परसेंटेज फिल कर दीजिए, अगर आपका फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ है, अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आपके लिए ऑप्शन इस बार आएगी, वो जब एग्जाम फॉर्म आएंगे तब पता चलेगी, क्योंकि ये डिसीजन के फर्स्ट डे से ही आप टीईटी फिल कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी के जरिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके अनुसार इस फॉर्म जो ऑनलाइन फिल आपने करना है उसमें चेंजेस आएंगे।
फिलिंग लगभग 4 स्टेप्स में होती है। यहाँ पर मैंने कोई भी स्टेप्स की रिवीजन नहीं की, सिर्फ वो बात की है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट आपको चाहिए आपकी फोटोग्राफ जो स्कैन चाहिए उसका साइज कितना चाहिए, फॉर्मेट क्या चाहिए, जेपीजी मिनिमम साइज 10 KB से मतलब कम ना हो, और मैक्सिमम वैसे 100 तक आप रखिए, 100 से ज्यादा अपलोड नहीं होती। वैसे सीपीएससी ऑप्शन देती है कि क्रॉपिंग हो सकती है, लेकिन ये सुजेशन है आप पहले से ही 10 से 100 KB यहां पर केबी तक की जो आपकी फोटो है उसको रीसाइज करके रख लीजिए। तो यहां पर आप क्लिक करते हो जहां भी आपकी फोटो सेव है, आप वहां जाके फोटो को क्लिक कीजिए, ओपन पर क्लिक कीजिए, आपकी फोटो यहां पर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद वो ऑप्शन देगा कि आपको आपने यही फोटो रखनी है या इसको रीसाइज करना है या क्रॉपिंग करनी है, तो आप अकॉर्डिंगली साइज को रिड्यूस करने के लिए वहां कर सकते हो। ऐसे ही आपके सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर कर लेते हो, फोटो लेते हो, फोटो लेके अपने लैपटॉप पर जहां पर फॉर्म फिल कर रहे हो है ना, मेल कर लोगे, तो वहां पर यहां पर क्लिक करोगे, आप वहां पहुंच जाओगे, वहां पहुंचने पर साइन को क्लिक करोगे, ओपन करोगे, ओपन करने से यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे आपके साइन। तो इसके साइन के वो क्या चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी सेम है, मिनिमम साइज 4 चाहिए, यहां था 10 से 100 कर लीजिए, बेशक यहां 200 लिखा हुआ है लेकिन यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम 30 है, मिनिमम 4 है मैक्सिमम 30 KB है। तो ये भी आप पहले से अरेंज करके रखिए कि इतने साइज की फोटो आपको चाहिए। ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि ये आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है, पहला रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का ग्रीन हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर रहे हो, चल रहे हो, फी पेमेंट अभी आपने करनी है। फीस यहां देखने की जरूरत नहीं है, रेडी रखने हैं आपने डॉक्यूमेंट के, फीस पे कैसे करनी है क्योंकि आपने जो ऊपर अपनी डिटेल फिल की है उसके हिसाब से डिस्प्ले हो जाएगी कि आपके कितनी फीस बनती है इंक्लूडिंग जीएसटी एस है। देखिए एजुकेशन पर भी जीएसटी लगा हुआ है, वेरी गुड। तो मोस्टली जो दो वे हैं वो है, एक तो बैंक का ई चलान, आपको बैंक में जाना पड़ता है, इसको ऑप्ट शायद ही आजकल कोई करता होगा। दूसरा बाय ऑनलाइन मोड है, वो डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग है, एटीएम है, ये ऑप्शन दी गई है, इससे आप पे कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मर ऐसे क्रेडिट कार्ड डिस्प्ले होगा, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन और प्लस इंटरनेट बैंकिंग, ये दो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इनको प्रेफर नहीं करना चाहिए, ये वाले ही पहले वाले 3 या 4 को ही यूज करना चाहिए आपकी ट्रांजेक्शन के लिए। ऐसे देखिए आपकी जो फीस है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है, तो ये आप पूरा फिल करके अकॉर्डिंग जैसे पेमेंट करते हैं वो इंफॉर्मेशन फिल करके आप रसीद जो है जनरेट कर लोगे और इसका आपने प्रिंट ले लेना है। यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं प्रोसीड, ये आपकी पेमेंट होने लगी है। इसके बाद अच्छा कहीं ये भी पूछा जाता है, सिर्फ ये पॉइंट है, मेंशन रोल नंबर ऑफ योर लास्ट सीटेट एग्जामिनेशन, तो ये भी तैयार रखिए अगर आप दूसरी तीसरी या चौथी बार सीटेट का एग्जाम देने लगे हो, और कोई टेट नहीं सीटेट का एग्जाम देने लगे हो, तो आप वो अपनी जो कार्ड अगर इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसका रोल नंबर पड़ा है वो नजदीक रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मांग ली जाए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड कर लेना है, सेव रखना है, उसकी जो स्क्रीन जो उसकी फोटो ले लेनी है ना, उसका प्रिंट ले लेना है, डायरी में नंबर नोट कर लेना है, ये जरूरी है। ये वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, इसका मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेंड नहीं करना सीबीएसई को। नंबर 2 के सीबीएसई आपकी एलिजिबिलिटी नहीं देख रही, जो इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो उस पर रिलाई कर रहे हैं। नंबर 3 फिर एलिजिबिलिटी को कौन चेक करेगा, जब आप जॉब के लिए जाते हो वो अथॉरिटी है जिसको रिक्रूटिंग एजेंसी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहा है, उस स्कूल में जब जाते हो जब गवर्नमेंट जॉब निकलती है वहां जाते हो, केंद्रीय विद्यालय में जाते हो, नवोदय विद्यालय, तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जो क्राइटेरियाज हैं एलिजिबिलिटी है आप उनको फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। दैट इज वाई
आप सी टेट को फिल करने के लिए इतनी ज्यादा टेंशन या इतनी सोच विचार मत करें, क्योंकि आगे और भी टेस्ट हैं, अभी और भी रुकावटें हैं, चैलेंज है, रुकावटें नहीं है चैलेंज है, तो उनको फेस करना है। यहाँ तक ये बात फिर से कह दे कि डोंट सेंड एनी हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट टू सीबीएसई, तो यहाँ तक अंत है। मेरे ख्याल में इस वीडियो को देखोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, क्लासेस लग रही हैं लर्न टू एक्चुलाइज पर बाय डॉक्टर तीरथ सिंह, तो क्लास का शेड्यूल जैसे रात 9 बजे तक का मोस्टली होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको थिंकिंग एक्सरसाइज करवाने की। देखिए एक बात है कि सिर्फ नॉलेज से कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं होता, नॉलेज के साथ आपको रीजनिंग या थिंकिंग स्किल भी चाहिए, उसके साथ आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी चाहिए। अगर नॉलेज सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो तो आप अच्छी जिंदगी और अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये मेरे विचार हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रीजनिंग, स्ट्रेटजीज और इन तीनों को मिलके, जिसे हॉलिस्टिक या इंटीग्रेटेड अप्रोच कहा जा रहा है, दैट इज वाई उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस और इंटरेक्शन क्वेश्चनिंग आपकी तरफ से जरूरी है। वो आएंगे तो हम बात करेंगे, थिंकिंग एक्सरसाइज करेंगे, जितनी भी होती है जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा। लर्न टू एक्चुलाइज डॉक्टर, इस वीडियो की टोटल जो समरी है, आपको क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी कोड आपको पता होना चाहिए कि हमने मैंने कौन सा कोड ऑफ पेपर फिल करना है, मेरी एलिजिबिलिटी का कोड होता है जो उसको क्वालिफिकेशन आईडी भी बोलते हैं। दूसरा है आधार कार्ड या इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपके हैं, आईडी वो फोटो विद फोटो चाहिए। तीसरा है सिटी का पिन। चौथा है आपका ईमेल और फोन नंबर अपने पास चाहिए, रेडी चाहिए। पासवर्ड जनरेट कर लेना चाहिए जो हमने कंडीशन बताई है उन्होंने। सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, आप कौन सी बुक लाइक फेवर करते हो, स्कूल फर्स्ट कौन सा था, नेबर का पेट नेम क्या है, है ना। ये लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चूज करनी है, सेकंड चूज करनी है, कौन सी चूज करनी है, है ना, वन या टू या बोथ कौन सा फिल करना है। स्ट्रीम या सब्जेक्ट एसएसटी या साइंस किस में जाना है। नेचुरली ये बड़ा डिसीजन नहीं है, कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन है। एग्जाम सेंटर जो डिस्प्ले करूंगा, अलग से लिस्ट दिखाऊंगा अभी वीडियो में, तो उनसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज लिस्ट अगर नहीं है तो अदर्स में फिल कर देनी है, आपको नहीं मिलता तो पिन आपका नेट से ढूंढ लेना है कॉलेज का अगर नहीं मिलता। तो ये बातें की हैं हमने।